गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट 9 की जो हमने हमारी अगली वीडियो में जो पोएम सीखी थी उसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 89 एंड ओपन द योर नोटबुक ताकि आप लिख सको। उसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द स्पीकर, यानी कि हमने इस जो पोएम में सीखा था वो बच्चा था उसकी उम्र कितनी है, यानी कि कितनी हो सकती है। तो हमने बच्चों सीखा था कि एक छोटा सा बच्चा है इसलिए इनकी जो उम्र है वो 8 या 9 साल की होगी। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बॉय इन द पोएम द बॉय इन द पोएम इज अबाउट 8 years old। आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हैं, द बॉय इन द पोएम इज अबाउट 8 years old। दूसरा क्वेश्चन है, हू आर देम इन द पोएम। बच्चों इस पोएम में दे और देम कौन थे। तो मैंने आपको सिखाया था कि वो जो बच्चे को जो वो बच्चे के पेरेंट्स थे माता पिता उनके लिए दे और देम कहा गया था। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, दे एंड देम। नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग, यानी कि वो जो स्पीकर है वो ऐसा कैसा सीक्रेट मीन्स रहस्य छुपा रहा है। तो वो ये सोचता है कि मैं रियल में बड़ा सा हूँ, मीन्स जायंट हूँ, मीन्स बहुत बड़ा हूँ। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द बॉय इज हाइडिंग अ सीक्रेट दैट ही इज रियल तो आप अपने नोटबुक में ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों टॉक टाइम है, वो जो आंसर है वो आपको अपनी तरह लिखने हैं, लेकिन मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। फर्स्ट है, थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वॉन्ट लेट यू डू, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप मना करते हैं अपने बच्चों को। तो बच्चों एक अपने पेरेंट्स हमारे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल के दे वॉन्ट अलाउ मी टू गो टू शॉपिंग इन द मार्केट। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हमारे माता पिता हमको अकेले मार्केट नहीं जाने देते। सेकंड आएगा कि दे वॉन्ट अलाउ मी टू ड्राइविंग अ कार, हमारे माता पिता हमको अकेले ड्राइविंग नहीं करने देते। दे वॉन्ट अलाउ मी टू यूज अ इलेक्ट्रिक
गैजेट यानी कि केटल है, आयरन है, ऐसी जो चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिक से चलती है वो भी हमें काम नहीं करने देते। तो आप ऐसे अपनी तरह ये आंसर लिख सकते हो। वॉट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू वेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कांट डू नाउ। ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो आप बड़े होकर कर सकते हो लेकिन आप अभी नहीं कर सकते। तो आप अपनी तरह जैसे ये जो बच्चा अपनी बात कर रहा है ऐसे आप ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप बड़े होकर ही कर सकते हो, आप छोटे होकर नहीं कर सकते। तो आपको ये जो आंसर सोचकर आपको अपनी तरह लिखना है। नेक्स्ट बच्चों वर्ल्ड बिल्डिंग आप देख सकते हो। यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स मेक थ्री वर्ड्स वन इज डन फॉर यू। हमें एक वर्ड्स दिया है उसमें से हमें नए तीन वर्ड्स लिखने हैं और एक हमें एग्जाम्पल के रूप में दिया है। मीन्स ब्लैक बोर्ड का तीन वर्ड्स दिए, ब्लैक बोर्ड बैग। तो ऐसे मदर के ऐसे कौन से तीन वर्ड्स होंगे तो आपको भी सोचना है कि ऐसे कौन से तीन वर्ड्स हैं जो मदर स्पेलिंग में से होते हैं। तो ऐसे मैं आपको सिखाती हूँ मदर में से होगा मदर मॉम एंड हर। आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है वेजिटेबल। तो फर्स्ट होगा बच्चों टेबल, गेट, टेबल। तो आप ऐसे बना सकते हो। फर्स्ट होगा सेंड, उसके बाद एंड और हैंड। हेलीकॉप्टर, आप अपनी टेक्स्ट बुक में या नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम डोंट। तो उसका फुल फॉर्म होगा डू नॉट। आई विल। तो ऐसे आप देख सकते हो। टर्न द पेज बच्चों। नाउ राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं उसके फुल फॉर्म लिखने हैं। तो बच्चों कांट का फुल फॉर्म क्या होगा? मैंने आपको आगे सिखाया था कांट का फुल फॉर्म होगा कैन नॉट। That's का होगा that is। तो आप ऐसे अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग ही सीज यू आर वेयर। तो हमें कुछ
कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसके हिसाब से हमें एक छोटा सा सेंटेंस यानी कि पैराग्राफ की तरह करना है, लेकिन हम पैराग्राफ नहीं करेंगे लेकिन सेंटेंस लिखेंगे। फर्स्ट है ही, तो बच्चों इसका सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे फर्स्ट ही का जाएंगे हम सब लोग, तो ऐसे लिख सकते हो। आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है एक पैराग्राफ, नाउ राइट अबाउट टू थिंग्स यू विल डू व्हेन यू ग्रो अप, ऐसी दो चीजें लिखो जो आप बड़े होकर करोगे। यू कैन बिगिन लाइक दिस, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं बड़ा हूँगा तो मैं क्या करूँगा, तो उस पर है, तो आज हम लिखेंगे। वहां में जाऊंगा, तो व्हेन आई ग्रो अप आई
प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों क्लास वर्ड चार्ट। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न्ड? आपने कितने वर्ड्स नए सीखे? राइट डाउन 3 वर्ड्स यू हैव लर्न्ड सो फार। राइट देम डाउन ऑन चार्ट ऑन ब्लैक बोर्ड। टेल देयर मीनिंग टू द क्लास। आप जितने नए वर्ड सीखे उसका आपको एक चार्ट बनाना है और आपको जब टेल देयर मीनिंग टू द क्लास और आपको उसके मीनिंग क्या है वो आपको कहने हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज आपको अपनी तरह करनी है। नेक्स्ट है से अलाउड। कुछ वर्ड्स है बच्चों आपको अपनी तरह बोलने हैं। नेक्स्ट है चूज एंड टेक द वर्ड्स विद अ जे साउंड। तो बच्चों यहाँ एक एक्सरसाइज है, आपको चूज एंड टेक द वर्ड विद जे साउंड। जहाँ जे का उच्चार होता है वहाँ आपको टिक करना है। तो जनवरी, तो यहाँ जे का उच्चार होता है तो आपको वहाँ टिक करना है। जैकेट, जैकेट में भी टिक करना है। जायंट, उसमें भी ज आता है तो टिक करना है। गूज, वहाँ ग होता है ज नहीं होता तो आपको टिक नहीं करना है। जिराफ, जिराफ में भी टिक करना है। ग्रेप्स, तो बच्चों वहाँ ग का उच्चार होता है तो आपको टिक नहीं करना है। ऐसे बच्चों आपको अपनी तरह बोलकर आपको क्या लगता है आपको विचार करके आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसका जो दूसरा पार्ट है यूनिट 2 वो हम सीखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको जो जो एक्सरसाइज लिखा है वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, ताकि जब हम ये नोट या टेक्स्ट बुक हम स्कूल में मंगवाएं तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो। तो बच्चों थैंक यू।